गौर से सुनो, ध्यान देना ये बात पे। अगर सारे पास्टरों को पता है कि प्रेयर करने से इंडिया पूरा बदल सकता है, कर नहीं रहे क्या, या हो नहीं रहा है, या परमेश्वर की तरफ से देरी है, या बराबर से प्रार्थना नहीं कर रहे, क्यों इंडिया का उद्धार नहीं हो रहा है? इंडिया का छोड़ो, अपने घर का क्यों उद्धार नहीं हो रहा? क्यों कोई प्रार्थना नहीं कर रहा बराबर से, या परमेश्वर रुके हुए? किसके किसके प्रॉब्लम है, परमेश्वर का या हमारा? जिसका उद्धार हो रहा है वही नहीं प्रार्थना कर रहा। करेक्ट। आप किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आप उनके चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि उद्धार जो है आपका व्यक्तिगत निर्णय है, जो आपको खुद के जबान से बोलना पड़ता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम आपके लिए उद्धार नहीं ला सकते हैं, हम आपको उद्धार नहीं दिला सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मैं अपने नेबर पड़ोसी के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं। पुराने नियम से निकलो बाहर। पुराने नियम वो लोग वैसे करते थे और वो लोग करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको पता नहीं रहता था, उनके पास ज्ञान नहीं था, उनको लगा जो चल रहा है चलने दो, मतलब अगर ये हो रहा है तो ये सही है, अगर वो हो रहा है तो वो सही है। पर अभी हमें वो आत्मा मिला है जिससे हम सारे बातों को जान सकते हैं। हम अज्ञानता में नहीं रहते हैं। अज्ञान लोगों के जैसे मत बनो। किसी के उद्धार के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हो तो यीशु मसीह शिष्य को बोलते हैं, जाकर उद्धार के लिए प्रार्थना करो, प्रचार मत करो। हाँ या ना? इजीयर है ना, घर पे बैठे मैं प्रार्थना करूंगा पड़ोसी के लिए, उनको जाके क्यों मिलूं? अगर उद्धार ऐसे हो सकता है, अगर परमेश्वर ने कहा उद्धार सिर्फ आपके जबान से बोले हुए शब्द से होता है, तो वैसे ही होता है। कोई आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। बाइबल में एक भी इंस्टेंस नहीं है जो किसी ने भी किसी के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना किया। एनी इंस्टेंस? यीशु मसीह ने जकायस को कहा, मैं तेरे उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कल सुबह तक मैं प्रार्थना करूंगा और अंतिम दिन तक मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा। कोई भी है ऐसा? क्या पत्रस ने कभी किसी उद्धार के लिए प्रार्थना किया, किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना किया? पत्रस ने किया? पौलुस ने किया किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना? प्रचार किया और वो जीवन जिया। आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप लोगों को नहीं बदल सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो, वो ही काफी है। तो हम कहते हैं, जब हम अन्य भाषा में बात करते तो क्या होता है, परमेश्वर हमको बदलते हैं, ताकि हम उनको और ज्ञान के साथ, समझ के साथ उनके साथ व्यवहार कर सके। हमको बदलते परमेश्वर, हमको ज्ञान ज्यादा मिलता है उनके साथ कैसे व्यवहार करने में, और उनका जीवन बदल जाता है हमारे जीवन देखकर। टाइम बर्बाद मत करो, उनका उद्धार हो, उनका उद्धार हो, उनका टाइम बर्बाद। देखो दूसरा वर्ष, देखो सेकंड फर्स्ट टिमोथी 2:1-6। ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि बहुत से जन उद्धार के लिए प्रार्थना करते। जो दिस इज योर्स। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। यहां पर तो लिखा है सब मनुष्य के लिए विनती और प्रार्थना और धन्यवाद करना चाहिए। सुनो गौर से, आगे देखो, पढ़ो। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। इसलिए कि हम विश्राम के साथ जीवन बिताएं, इसलिए नहीं कि उनका उद्धार हो। प्रार्थना इसलिए करो हर मनुष्य के लिए और हर आदमी के लिए कि हम विश्राम से जिए। वो परेशान ना, हम विश्राम से जिए बस। ये नहीं कि उनका उद्धार हो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, रीड द नेक्स्ट वर्स, रीड द नेक्स्ट वर्स। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। समझ में आ रहा है? ये बाइबल में से है। ठीक है, रीड द नेक्स्ट वन। और मत्ती, दिस यू शुड नो, मत्ती 9 से, व्हाट इज इट? प्रे टू द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट। क्या खेत तो बहुत है, लेकिन खेत तो पके हुए हैं, लेकिन जो किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? मजदूर है। मजदूरों के लिए या खेत के लिए? मजदूर के लिए। हम खेत के लिए प्रार्थना करें, हे परमेश्वर इंडिया में उद्धार लाओ, इंडिया ये परिवार में उद्धार लाओ, इनमें उद्धार लाओ, उनमें उद्धार। अरे खुद में उद्धार लाओ पहले,
खुद को बदलो पहला। आपके लिए प्रार्थना करना जरूरी है कि आप वापस जाओ, वैसे जीवन जियो जो ये लोग देखे बोले कि हमको आपका यीशु चाहिए। क्योंकि जब तक वो लोग खुद से नहीं चाहते ना, आप उनको नहीं दिला सकते हो। घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते हो पर उनको पिला नहीं सकते हो पानी। समझ में आ रहा है। आप वो, इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम इस जगत के नमक हो। प्यास उनको लगनी चाहिए तुम्हारे जीवन देखकर। नमक से प्यास बढ़ती है ना। आप नमक हो, अगर आप नमक हो उनको आपका यीशु चाहिए, अगर आप नमक नहीं हो तो उनको आपका यीशु नहीं चाहिए। रीड द लास्ट वन, सेकंड तिमोथी 2:20। और विरोधियों को नम्रता से समझाए। सुनो, विरोधी को नम्रता से समझा, ठीक है, पहले नम्रता से समझा, ठीक है, समझाए उनको, ठीक है। क्यों? क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। क्या जाने कि परमेश्वर उनको मन फिराव का मन दे, कब? जब आप समझाओगे उनको। नम्रता का मतलब ये नहीं है कि, क्या लिखा है, नम्रता लिखा है, नम्रता का मतलब ये नहीं कि, ह्यूमिलिटी मतलब टेक हीड लेस एनी मैन फॉल, टेक हीड टू योरसेल्फ, अपना खुद का जीवन देखो कि आप गिरे ना, वो नम्रता से कि मैं भी गिर सकती हूँ, वो नम्रता से। पर आपको सीधे सीधे जवाब देना चाहिए उन लोगों को। हम लोग खामोश बैठ के नम्रता से, हाँ जी जो आप बोलोगे वही होगा, वही चलेगा जी, आप नम्रता, ये नम्रता नहीं है, ये नम्रता नहीं है। जवाब दो उनको, आपके जवाब से परमेश्वर उनको मन फिराव का मन देगा। आपके जवाब से, आपके जवाब में है, परमेश्वर के वचन में लिखा है हर समय में तैयार रहना वचन से, कि आप सही जवाब दे सकते हो कि आपका विश्वास क्या है। आई विश आई न्यू द आई कुड ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एंड हिंदी प्रॉपर्ली। समझ में आ रहा है? बी इंस्टेंट इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन दैट यू कैन गिव एन आंसर टू एवरी मैन ऑफ योर फेथ, कि आपका विश्वास क्या है। आपको जवाब देना जरूरी है, चुपचाप बैठ के पुराने नियम से निकलो बाहर। वो एक परछाई था, वो खत्म हो गया। जब असली आ गया, परछाई चला जाता है। उपास, प्रार्थना, भीख मांगकर बिलख बिलख कर रोना, ये सब चला गया। अब भी आपके साथ इतना सामर्थ्य परमेश्वर आप में रहता है। वो याजक में परमेश्वर नहीं था, वो याजक ने बोला हुआ उसमें परमेश्वर नहीं था, उसमें परमेश्वर के वचन था। हम में परमेश्वर स्वयं रहते हैं। कितना डबल पावर कितना डबल पावर। आपके पास एक हथियार है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो है प्रोफेसी। जो आपको चाहिए बोलो, प्रोफेसी करो, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आपको परमेश्वर के लिए रुकना नहीं पड़ता है, परमेश्वर की तरफ से देर नहीं हो रहा है। आप भी गलत नहीं प्रार्थना कर रहे हो, पर आप टाइम पास कर रहे हो ऐसे प्रार्थना कर करके। प्रोफेसी जो आपको चाहिए, भविष्यवाणी करो कि ऐसा ही हो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो, ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा आप में है, परमेश्वर कहा है आप में। आमीन। ये मिला, ये समझ में आया? किसी के उद्धार के लिए कभी प्रार्थना मत करना, उद्धार का प्रार्थना करवाना। समझ में आया? और वो भी उद्धार का प्रार्थना किसी ने भी बाइबल में भी नहीं किया कि हे प्रभु यीशु मैं तुम्हें अपनाता हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा बाइबल में, तो अगर बाइबल में नहीं लिखा है तो, क्योंकि ये पतरस ने कहा रिपेंट बी बैप्टाइज एंड यू शुड रिसीव द होली स्पिरिट। क्या? रिपेंट बी बैप्टाइज, यू शुड रिसीव द होली स्पिरिट। ठक ठक ठक, हे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, तो अंगीकार कैसे? दैट ही इज द लॉर्ड, ही इज द लॉर्ड ऑफ माय लाइफ, दैट्स इट। हे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करना, अपने खून से धोना मुझे। पर नहीं, अंगीकार क्या करना है कि वो प्रभु है। ये नहीं कि आप पापी हो, ये नहीं कि आपको लहू से धो ले वगैरह। अंगीकार क्या करना है? प्रभु। इतना सिंपल यीशु ने बनाया, हम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते, क्यों करते इतना कॉम्प्लिकेट? इतना ही बोला ना यीशु ने कि अंगीकार करो मुझसे कि मैं प्रभु हूं, बस। मैं पापी हूं, मैं जन्म से पापी हूं, मैं वाके कोक से पाप में पला हुआ था। क्या क्या, हमें ये टॉपिक पे हम विस्तार से सीखेंगे कि हमारे परिवार वालों के साथ उद्धार वगैरह कैसे हम करते, ठीक है? नेक्स्ट, बच्चा का संदूक। अभी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चा का संदूक तो लिया गया था वहां से, तो देखो सबसे पहले बच्चा का संदूक कहां पर था? शिलो में, शिलो में ना, इधर ही है ना, सॉरी शिलो। देख रहे हो बच्चा का संदूक,
क्या होता है, शिलो से सारे दुश्मन वाचा का संदूक लेकर किधर चले जाते हैं? अश्दोद। किधर चले जाते हैं? अश्दोद। समझ में आ रहा है? अश्दोद। अश्दोद पे क्या होता है? अश्दोद पे क्या होता है? क्या होता है अश्दोद पे? कोई बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? हाँ पढ़ा आपने। क्या है अश्दोद में, क्या होता है? बाल का मूर्ति, डैगोन। डैगोन पढ़ो। दागोन यहोवा के संदूक के सामने औधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। आमीन। आमीन। समझ में आया? उनके घर पे, उनके मंदिर में वो लोग गए, और उनके मंदिर में जाने के बाद उन्होंने वाचा संदूक वहां पर रख दिया। अगले दिन जब वो आए तो दागोन का क्या हुआ था? पहले बार सिर्फ पहले क्या गिरा था? सिर और हाथ। और दूसरे बार? अच्छा, सिर और हाथ गिरा था। रीड रीड इट। फर्स्ट सैमुएल 5। ठीक है, अपने आप गिर गए। ठीक है, अपने आप गिर गए। इसलिए आज तक वो लोग वो फाटक पे नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिर और हाथ वहां पर गिरा था। दागोन गॉड कौन सा था? मछली का गॉड था। मछली मतलब आधा बदन मछली है और आधा बदन मनुष्य का है, वैसा उनका परमेय उनका देवता था। तो जब वाचा संदूक वहां पर लाया तो ये हुआ। तो अश्दोद के लोग इतना डर गए, इतने कांप गए, बोले नहीं 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 हमारे पास मत रखना, उन लोगों को देना। पाप वो लोग करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे, चुपचाप से उनको वो दे देना, बोलो सोने का है, तो वो लोग खुश हो जाएंगे, वो लोग जश्न मनाएंगे। तो क्या किया उन्होंने? अश्दोद से उन्होंने गात को भेज दिया। किधर? गात। किधर? देखो यहाँ पर गात को भेज दिया। दिख रहा है ना, ये मेरा सर बीच में दिख रहा है? गात को भेज दिया। गात में क्या हुआ पढ़ो। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उससे उसमें अत्यंत हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तब उस नगर के सब लोगों को मारा, और उनको गिल्टियां निकलने लगी। क्या निकलने लगी? गिल्टियां। गिल्टियां का मतलब क्या है? ट्यूमर्स। गाट। ट्यूमर्स वो निकलने लगे। क्या निकलने लगी? ये लोग बोले अरे वहां सोने का संदूक आ रहा है, सोने का संदूक। बोले परमेश्वर का नहीं, यहोवा का नहीं, सोने का आ रहा है। सोना दिख रहा है ना, सोने का है। वाओ सोने का संदूक, ला 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 हमारे पास लाओ। जैसे आया सोने का संदूक, बड़े बड़े गाट, बड़े बड़े खा रहे, वो खा रहे बड़े बड़े गाट, और बड़े बड़े ट्यूमर्स निकलने लगे। मतलब फोड़ी, बड़े बड़े फोड़ी, बड़े बड़े कैंसर वाले जो फोड़ी है वो सब निकलने लगे उनके बदन पे। तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे बाजू वाले जो है ना वो लोग पापी है, चुपके से ना ये संदूक वहां पर भेज देते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। तो क्या हुआ, बाजू वाले कहा क्या किया उन्होंने, संदूक को वहां से निकालकर उन्होंने एक्रॉन पे भेज दिया। यहाँ पर एक्रॉन भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। और एक्रॉन में क्या हो गया, उनको खबर पहुंच गई। और एक्रॉन का रिएक्शन क्या था, ये वाचा संदूक आ गया, ये इसी की वजह से वो दोनों एकदम बर्बाद हो गए, वो दोनों राष्ट्र। पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, रीड। इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए, और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। एकदम डर गए। आपके पास देखो आपका देव, आपका यहोवा क्या है, लोगों को पता है, आपको नहीं पता है। ये तो घूम रहा है मस्त पे की घूम रहा है, ये वाचा संदूक घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है ये तो। और सब लोग डर रहे हैं यहाँ पे, कांप रहे हैं यहाँ पे। कोई भी परमेश्वर का उपस्थिति वो संदूक में नहीं था। संदूक में था उपस्थिति नहीं, संदूक में नहीं था, संदूक में नहीं था, क्योंकि संदूक को लिया गया था। फिर भी उसको उसके साथ गलत व्यवहार करने वालों का यह हश्र हो रहा था, आप में तो परमेश्वर रहते हैं, आपके साथ गलत व्यवहार करने वाले कैसे ऐसे ही जी सकते हैं, इसमें तो परमेश्वर का उपस्थिति भी नहीं था, फिर भी इनके साथ यह हश्र हो रहा था। आप में तो परमेश्वर रहते हैं, अगर आपको कोई छुए, आपके विरुद्ध कोई खड़ा होता है, कैसे
कैसे उनका परमेश्वर उनका पूरा एकदम खत्म कर सकते परमेश्वर उनको, पर आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या है। डरते हो चोरों से, आदमियों से, लोगों से डरते हो क्या? आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है जो आपके अंदर रहता है? ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू, वो जो तुम में रहता है वो उससे बड़ा है, बढ़कर है जो संसार में है। डू यू नो द पावर? आप बिंदास किधर भी जाओ, कुछ भी करो, कोई आपको छू भी नहीं सकता है। क्यों? परमेश्वर आप में है। जल के भस्म हो जाएगा वो उधर के उधर, और ध्यान में आएगा उसका, ये उनका रिएक्शन ये होगा, अरे ये लोग आ गए भागो। उनका रिएक्शन ये होना चाहिए, आपके विरुद्ध एक शब्द बोलने के लिए भी उनको उनका रूह कांपना चाहिए। आज वो लोग गाली दे सकते हैं, आज वो लोग आपके पास ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शायद से आप खुद नहीं जानते हो कि आपका यीशु कौन है, इसलिए वो आपके यीशु को गाली भी दे सकते हैं, आप चुपचाप बैठ के सुनोगे। एक्टिवेट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इट पुट्स फायर ऑन देम दैट आर अगेंस्ट हिम एंड इट सेव्स दोस। उनको जलाता है जो उनके विरुद्ध है, पर परमेश्वर का पावर जो है उनको बचाता है उद्धार के द्वारा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? Yes. जान लो कि आपने कौन है, ऐसे मत बैठो। आमीन। नेक्स्ट, तो ये लोगों ने बोला चलो एक चीज करते हैं, जहां से लिया यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। कितने महीने तक? 7 महीने तक ये घूम रहा था सब जगह से, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। फाइनली उनके क्या बोलते हैं, उनके याजक या उनके क्या बोलते हैं, उनके याजक तंत्र मंत्र वाले, करेक्ट, तंत्र मंत्र वाले ने बोला चलो एक प्लान बनाते हैं। रीड। पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। आज माहिम चर्च में जाओ, वहां पर कैंडल्स रखे गए, पैर का कैंडल, हाथ का कैंडल, पेट का कैंडल, सर का कैंडल, बच्चे का कैंडल, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चे का कैंडल को आपको चढ़ाना है। कहां से आया है? रोमन कैथलिक का कैथलिक, माहिम चर्च में अगर जाओगे तो कहां से आया है? यहां से। उन्होंने बोला सोने का छुआ बनाओ, क्यों? क्योंकि छुए से परमेश्वर ने उनके सारे खेतों को नष्ट किया था, तो सोने के छुए बनाओ 5, क्योंकि 5 सरदार थे, 5 सरदार थे उनके राष्ट्र का। और सोने के क्या बनाओ? ट्यूमर्स, जो बड़े बड़े ट्यूमर्स आते थे ना उनके बदन में, उनके सोने का बनाओ और उनके काट में डाल के बेच दो। किसके साथ? दो गाय के साथ। ठीक है, तो वो गाय जो कभी भी किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, उनको नहीं पता कि बाहर कैसे जाने का, क्या करने का वगैरह, तो वो बोले अगर ये गाय बेथफमेश, अगर वो लोग ये यहां पर जाते हैं तो फिर समझ में आते, क्योंकि वो इसराइल की जगह था, तो अगर डायरेक्टली जाते वहां पे बिना इधर उधर जाए तो पता चलता है कि परमेश्वर ने ये सब हम पर लाया, पर अगर बैल कहीं और चले गए तो पता चलता है कि ये ऐसा ही हो गया जो हमारे साथ हुआ, ये दुर्घटना था। ठीक है, आगे देखते क्या होता है। ये बैल ने क्या किया देखो, तब गायों ने बेतशेमेश को सीधा मार लिया। ये 5 के 5 सरदार पीछे से छुपकर देख रहे थे कि ये गाय कहां जाता है, और गाय सीधे सीधे बिना कुछ आदमी का सीधे सीधे, दो गाय जो एकदम नए थे, उनको पता भी नहीं था कि रास्ता कैसा चलने का है, वो कहां गए? बेतशेमेश। ये देखो वो उसका वो डायरेक्ट किधर गए बोलो? बेथफमेश। अभी देखो ये इधर से उड़कर किधर जाएगा? बेथशेमेश। बेथशेमेश इज़राइल लोग रहते थे, इज़राइल का टेरिटरी था, तो बेथशेमेश में ये देखो गाय यहां पर आ रहा है, बच्चा संदूक, और ये लोग खेतों में ये कर रहे। रीड दिस। और बेथशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। सब लोग संदूक को देख के क्या कर रहे थे? आनंदित हुए। नहीं, सब लोग फिलिस्ती के लोग डरते थे, डर रहे थे। ये लोग प्रभु के लोग संदूक को देख के क्या करते हैं? आनंदित हुए।
बाहर के लोग जो बिन यीशु के हैं, जो आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, आपको देखकर उनको डरना चाहिए, बाहरी लोग। और आपके लोग, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमें क्या मिलता है? आनंद। एक दूसरे से मिलने के बाद आनंद मिलता है। हम लोग उनसे डरते हैं, ये तो उल्टा हो जाता है, और आनंद फिर यहाँ पर कैसे भी मना लेते हैं। पर हम लोग उनसे डरते हैं, उनको हमसे डरना है। अरे बाबा ये लोग घर पे आ गए, अरे 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 घर पे आ गए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी ये मत बोलो ये पुराना नियम नया नियम, नया नियम इससे बेटर है। अगर पुराना नियम इतना था जिसमें परमेश्वर का उपस्थिति भी नहीं था, अगर वो सिर्फ वो बक्सा में, वो बक्सा इधर उधर चल रहा है, सब लोग डर डर के वो देख रहे हैं, तो हम तो जीवित परमेश्वर के प्रतिरूप है। हमारे साथ ऐसे क्यों ऐसे व्यवहार कर सकते हैं लोग? हमको लात मार के हमारे ऊपर चल कर लोग जा सकते हैं और हम यीशु मसीह का नाम जपते रहते हैं। ऐसा नाम यीशु मसीह का नहीं है। समझ में आ रहा है? Get bold, get big, get courageous, be bold, be strong, for the Lord thy God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Amen? आगे देखो क्या होता है। पांच सरदारों का नाम, सरदार का यही फोटो मिला, तो पांच सरदारों का नाम। सबसे पहला कौन सा था? अजदोद, फिर अज्जा, फिर अश्कलोन, फिर गत, फिर एक्रोन। तो फिर ये किधर है? 6:17। पांच सरदारों का ये पांच नाम है, जिसका पांच चूहा भेजा था इन लोगों पांच सरदारों के लिए। ये लोग पांच सरदार चुप चुप कर देख रहे थे, इन राष्ट्र का पांच सरदार। ठीक है, नेक्स्ट, रेडी? यस, नेक्स्ट पढ़ो। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। भैया यहोवा के संदूक के भीतर नहीं झांकना चाहिए था। देखो क्या होता है उनके साथ। उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। किसने? परमेश्वर ने। आगे, और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए। तब उन्होंने किर्यत्यारीम के निवासियों के पास यो कहने को दूत भेजे कि फिलिस्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। समझ में आ रहा है? अभी ये लोग ने क्या किया? झांका। अंदर क्या है? नहीं करना चाहिए। संदूक के अंदर तुमको देखने की अनुमति नहीं है, ये हर इजरायली को पता था। मूव दैट थिंग ना, आई कांट सी द मूव, मूव द फैन। समझ में आ रहा है? तो झांकने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी किसी भी इजरायली को। उन्होंने क्या किया? झांका, देखा क्या है, क्या है, कितने जन मर गए एक ही दिन में, कितने जन? 50,000 और 70 मनुष्य, कितना ये अपना, कितने मरे? 70 मनुष्य और 50,000 लोग। 70 मनुष्य और 50,000, 70 मनुष्य और 50,000। बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे ट्रांसलेशन इसके बारे में बाद में सीखेंगे जब हम बीतेंगे। पर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों शानन हो गया और बोले कि चलो अपने भाइयों को भेजते हैं, बोलते अरे परमेश्वर का संदूक क्या, क्यों अभी तक चुप चुप कर वो लोग रख रहे थे अपने पास, बोलना नहीं चाहते थे। पर जैसे यहाँ पर भी विपत्ति हो गई, यहाँ पर भी आका आमीन सब कुछ होने लगा उनके साथ, सब लोग मरने लगे, बोले बाबा इसको निकालो, यहाँ से संदूक को निकालो, भेजो वहां पे अपने भाइयों के पास ही भेजो, अपने भाइयों के पास। भाइयों को भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर भेजो, जैसे इनको भेजो, वो लोग ना लास्ट टाइम उन्होंने ना उनको सबक सिखाएंगे, उधर भेजो। तो उन्होंने क्या किया? अच्छा, संदूक को लेके वहां पर भेजो। किसके घर में रखे थे? अबीनादाब के घर में, जो टीले पर बना था, रखा। और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। अपने बेटे को पवित्र करना मतलब अलग रखना, वाचा और संदूक का ख्याल रखने के लिए अपने खुद के बेटे को अबीनादाब ने अलग कर दिया, पवित्र कर दिया अपने बेटे को। बेटा तू और कुछ काम नहीं करेगा, ये वाचे संदूक के वाचे का ख्याल रखना। कितने साल तक रखा? 20 साल। एक बच्चे के जीवन का 20 साल। पर अहम क्या, अहम बात यहाँ पर क्या है?
परमेश्वर का वाचा समझता हो। कितना आशीष इस बंदे के घर पे आया होगा क्योंकि उसने अपने बेटे को अर्पण किया इस चीज के लिए। आप यदि आपके बाल बच्चों को, आपके किसी को भी अर्पण करते हो परमेश्वर के कार्य के लिए, ये मत सोचना वो क्या कमाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पिएंगे, क्या ये करेंगे। आशीष ही आशीष आता है उनके जीवन में। दाऊद के समय में हम देखेंगे कितना आशीष आता है एक बंदे के घर में जब वो रखता है। दाऊद के समय में वो कहानी पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बंदे के घर पे भी आशीष है। आगे संदूक उनके पास का, ठीक है। आगे शमूएल आखिरी न्याय, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। पहले शमूएल 7 पढ़ो। फिलिस्ती के लोग आए थे युद्ध लड़ने के लिए, रीड। और जिस समय शमूएल होम बलि चढ़ा रहा था उस समय फिलिस्ती इजराइल के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इजरायलियों से हार गए। तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेध कर के नीचे तक मारते चले गए। क्यों? वो कहानी वो पूरा पढ़ लो आप घर पे जाके कि वो युद्ध कैसा होता है, क्या हुआ उस समय में, पहले वो लोग क्या सोच रहे थे उस युद्ध के बारे में, कैसा जीतने का वो युद्ध। और शमूएल ने फाइनली बोला कि यहोवा हमारे साथ है। तो यहोवा ने क्या किया, कैसे मारा उनको, तो बादल गरज रहा है ना, बादल थोड़ा बहुत मैं बहुत कर वैसे परमेश्वर वापस से उनके लिए लड़े, परमेश्वर वापस उन लोगों के लिए लड़े और वो लोग जीत गए। आगे देखो उन्होंने यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। उन्होंने उस जगह का नाम क्या रखा, एबनेजर का मतलब क्या है, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारा सहायता की। यहाँ तक परमेश्वर ने हमारा साथ, एबनेजर। काश ये हमारे लिए सही होता था ना, एबनेजर हमारे लिए एबनेजर सही है, परमेश्वर ने हमारे साथ दिया। एबनेजर सही है हमारे लिए, इमैनुअल सही है, गॉड विद अस, गॉड इन अस, ओके। इमैनुअल सही है, गॉड विद अस मतलब परमेश्वर हमारे संग है, सही है या गलत? सही है। क्यों? परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे संग कैसे हो सकता है यदि परमेश्वर हमारे साथ अंदर है। पर जब यीशु मसीह ने कहा कि वो कंफर्टर इज कमिंग और वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा, He will be with you and in you, तो परमेश्वर कहा है मेरे साथ भी है और मेरे यीशु को मैं पहने हूं, मुझे जिंदा है। आमेन, आमेन। तो एबनेजर अभी हमारे लिए क्या है, एबनेजर क्या है हमारे लिए, एबनेजर पुराने नियम में अभी तक परमेश्वर हमारे साथ थे, नए नियम में पवित्र आत्मा कभी हमें नहीं छोड़ेगा। अभी तक छोड़ो, कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने तो कहा अभी तक तो परमेश्वर हमारे साथ थे, कल का नहीं पता बाबा, इसके बाद का नहीं पता, पर हमें पता है क्योंकि हमें पवित्र पवित्र आत्मा आपका सहायक या सहायता करने के लिए आता है, आपका मदद करने के लिए आता है। मदद किसका किया जाता है बोलो, मदद किसका किया जाता है, जो नहीं कर पा रहा कुछ, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, जिसको जरूरत है, मदद उन्हीं लोगों का किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, मदद उन्हीं लोगों का किया जाता है जो कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ या ना? अगर आप कर नहीं रहे हो कुछ भी तो मदद किस चीज का मैं करूं आपका, लो मैं आपका मदद करता हूं बैठने में, लो आपका मदद करता हूं आराम करने में,
आप बाहर नहीं जा रहे हो तो पवित्र आत्मा का सही इस्तेमाल या पता नहीं चलेगा आपको पवित्र आत्मा है क्या, जब तक आप वो चीज नहीं करते हो, लोगों के ऊपर हाथ नहीं रखते हो, तभी आपको पता नहीं चलेगा पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या है। आप यहाँ पर बैठ के रुक नहीं सकते हो, पवित्र आत्मा मुझ पर आ जाए, पवित्र आत्मा मुझ पर आ जाए, जब मैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे तभी मुझे पता चलेगा पवित्र आत्मा आ गया। ये क्या है? नहीं, एकदम बाल खड़े होने चाहिए, फिर मुझे पता चलता है कि आ गया, अभिषेक आ गया। देखो देखो, देखो।